गाइस यार आज मैं आपको पीबीसी पाइप की मदद से इस आरसी कार को बना करके दिखाने वाला हूं। आप इसकी लुक देख सकते हो कितनी ज्यादा मस्त लग रही है और आप इसकी साइज देखिए कितनी ज्यादा बड़ी है। और इस कार को आप रिमोट से कंट्रोल करके चला सकते हो और इसकी रेंज करीब 1 किलोमीटर की है, तो हमारी कार 1 किलोमीटर तक जा सकती है और वापस आ सकती है। और इसके आगे साइड में 2 हेडलाइट लगाया हूं, तो आप हेडलाइट को ऑन करके इस कार को रात में भी चला सकते हो। और इसे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बना करके दिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को देख करके इस कार को अपने घर पर आसानी से बना लोगे। तो गाइस यार वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए फिर इस आरसी कार को बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस कार बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 इंची स्क्वायर पाइप से कुछ इस प्रकार का एक फ्रेम बनाया है, सेम इसी तरीके का आपको भी बना लेना है। और इसके बाद हमने कुछ इस प्रकार का एक गियर बॉक्स लिया है और इस गियर बॉक्स को हमने खुद से बनाया है। अगर आपने अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जा करके इसका वीडियो देख सकते हो। और यह गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें हमने 2775 DC मोटर को लगाया है। और इस गियर बॉक्स को क्या करना है कि इस फ्रेम के यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करना है, तो इसे फिक्स करने के लिए हमने पीबीसी शीट से एक पीस कटिंग किया है और इसके यहाँ पर हमने चौकोर कटिंग कर ली है। तो पहले हम इस पीबीसी शीट को इस फ्रेम के यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इस गियर बॉक्स को हम इसमें फिक्स करके चिपका देंगे। तो चलिए मैं इसे फटाफट से फिक्स करके चिपका लेता हूँ। तो मैं इसे फिक्स करके अच्छी तरीके से चिपका लिया हूँ और इसके दोनों साइड पर मैंने पीबीसी शीट के 2 सपोर्ट लगा दिए हैं ताकि हमारी कार का सारा वजन इन पाइपों पर आए, इस पीबीसी शीट पर ना आए। और इसके बाद मैंने स्क्वायर पाइप से एक 20 सेंटीमीटर का टुकड़ा कट किया है और इसके दोनों साइड पर मैंने 2 L-शेप की पत्तियों को वेल्डिंग कर दिया है और इनके मिडल में मैं एक एक होल किया हूँ। और अब इसे क्या करना है कि इस फ्रेम के आगे साइड पर यहाँ पर इसे रख करके वेल्डिंग कर देना है। तो चलिए मैं इसे फटाफट से वेल्डिंग कर लेता हूँ। तो भाइयों मैं इसमें एकदम अच्छी तरीके से वेल्डिंग कर दिया हूँ और अब इसे हम सीधा कर लेंगे। और इसके बाद गाइस मैंने 2 कुछ इस टाइप की बैरिंग ली है और इन दोनों बैरिंग में मैं 2 बोल्ट को गैस वेल्डिंग करा लिया हूँ और 1 बैरिंग में मैंने 2 पत्तियों को टी की शेप में वेल्डिंग कराया हूँ और दूसरी वाली बैरिंग में मैं 1 पत्ती को एल की शेप में वेल्डिंग कराया हूँ। और इन दोनों वायरिंग को क्या करना है कि 1 बैरिंग को यहाँ पर फिक्स कर देना है और दूसरी वाली वायरिंग को इसकी दूसरी साइड पर यहाँ पर फिक्स कर देना है। तो चलिए मैंने फटाफट से नट बोल्ट की मदद से कस करके फिक्स कर लेता हूँ। तो हमने दोनों वायरिंग को एकदम अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है और इसमें हमारे दोनों फ्रंट व्हील लगेंगे और यहाँ पर हमारे दोनों रियर व्हील लगेंगे। तो इन दोनों को हमें एक साथ कनेक्ट करना है ताकि हमारे दोनों व्हील एक साथ ही मूवमेंट करें। तो इसके लिए हमने एक मोटरसाइकिल की स्पोक ली है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि 2 स्पोक को हमने एक साथ जोड़ लिया है और इसी हमने दोनों साइड से हल्का हल्का मोड़ लिया है। और इसी हम क्या करेंगे कि जो हमने वायरिंग में पत्तियों को वेल्डिंग किया था उन पत्तियों से हम इसे कुछ इस टाइप से कनेक्ट कर देंगे। और अब आप देख सकते हो कि हमारी दोनों वायरिंग एक साथ में ही मूवमेंट कर रही हैं और ये हमारी कार की स्टीयरिंग बनकर तैयार हो चुकी है। और अब इसके बाद गाइस हम लेंगे कुछ इस प्रकार की एक सर्वो मोटर और इस मोटर को क्या करना है कि यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है। तो इसमें हम हॉट ग्लू लगा करके यहाँ पर चिपका देंगे।
और इसके बाद मैंने साइकिल की एक स्पोक से करीब 15 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट किया है और इसे मैं दोनों साइड से हल्का हल्का मोड़ दिया हूँ। और इसे क्या करना है कि सर्वो मोटर से और इस वायरिंग की पत्ती से कुछ इस टाइप से कनेक्ट कर देना है। और अब जो हमारी सर्वो मोटर है ये हमारी स्टेयरिंग को कंट्रोल करेगी। और अब भाइयों हमें इसके लिए चार व्हील बनाने हैं। तो व्हील बनाने के लिए मैं 4 इंची पीवीसी पाइप से करीब 5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट किया हूं और इसकी जो अंदर की साइज है इस साइज के हिसाब से मैंने पीवीसी शीट से एक गोल पीस कट किया है और इसी की साइज के मैंने 4 पीसेस को कट करके चारों को आपस में फेविक्विक की मदद से चिपका दिया है ताकि इसकी मोटाई बढ़ जाए और इसकी मजबूती भी बढ़ जाए। और अब इसे क्या करना है कि इस पाइप के अंदर एकदम बीचों बीच फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। तो मैंने इसे फेविक्विक की मदद से अच्छे तरीके से चिपका लिया है और अब इसके बाद मैंने मोटरसाइकिल के खराब ट्यूब से चार कुछ इस प्रकार की लंबी लंबी पट्टियां काट ली हैं। और इन पट्टियों को क्या करना है कि इस पाइप के ऊपर चारों तरफ अच्छे तरीके से लपेट करके फेविक्विक की मदद से चिपका लेना है। तो जिस तरीके से हम चिपका रहे हैं सेम इसी तरीके से आपको भी चिपका लेना है। और फेविक्विक लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, एकदम अच्छे तरीके से फेविक्विक लगाना है ताकि हमारी ये ट्यूब की पट्टियां एकदम अच्छे तरीके से चिपक सकें। तो गाइस मैं इसके चारों तरफ ट्यूब को एकदम अच्छी तरीके से लपेट लिया हूं और अब इसकी जो एक्स्ट्रा साइज है इसे पेपर कटर की मदद से कट कर देना है। और अब गाइस हमें इसमें ग्रिप बनाना है। तो ग्रिप बनाने के लिए हमने साइकिल का एक खराब टायर लिया है और इसे मैं दोनों साइड से कट करके अलग कर दिया हूँ, सिर्फ ग्रिप वाला हिस्सा लिया हूँ। और इसे क्या करना है कि इसके चारों तरफ कुछ इस टाइप से लपेट करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। तो चलिए मैं इसे फटाफट से फिक्स करके चिपका लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा व्हील बनकर कंप्लीट हो चुका है और इसी टाइप से मैं तीन और व्हील बनाकर तैयार कर लिया हूं और इन सभी व्हील में मैंने एक एक होल कर दिए हैं और जो आगे वाले व्हील हैं इनमें मैंने होल करके दो वायरिंग फंसा दी हैं। तो इन दोनों व्हील को इसके आगे साइड लगाना है तो पहले हम इसमें एक नट कस देंगे और नट कसने के बाद जो हमारा वायरिंग वाला व्हील है इसे हम इसके यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके एक नट को कस करके अच्छे से टाइट कर देंगे। और इसी टाइप से दूसरे वाले व्हील को इसकी दूसरी साइड पर फिक्स करके कस लेना है। और अब जो हमारे ये दोनों व्हील हैं इन दोनों व्हील को क्या करना है कि इसके पीछे साइड पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। तो मैं चारों व्हील को इसमें एकदम अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया हूं और अब गाइस जो हमारा फ्रेम है इसे कवर करना होगा। तो इसे कवर करने के लिए मैं पीवीसी शीट को कुछ इस टाइप की डिजाइन में कटिंग किया हूं, इसे हम इस फ्रेम में कुछ इस टाइप से कवर करके फिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम स्क्रू लगा करके अच्छे से टाइट कर देंगे।
तो मैं इस पीवीसी सीट को इसमें स्क्रू लगा करके अच्छे तरीके से टाइट कर दिया हूँ। और अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें लेना है दो वायर और इन दोनों वायर को गियर बॉक्स ही दोनों मोटर से कनेक्ट कर लेना है। गाइस इस कार की स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए मैं एक जुगाड़ बनाया हूं। आप देख सकते हो कि मैं एक स्पीड कंट्रोलर को एक सर्वो मोटर से दो गियर की मदद से कनेक्ट कर दिया हूं। अब जो हमारी सर्वो मोटर है ये स्पीड कंट्रोलर को कंट्रोल करेगी, इसी से हमारी कार की स्पीड कम या ज्यादा होगी। तो हमारे जो मोटर के वायर हैं इन दोनों वायर को स्पीड कंट्रोलर के इन दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। और अब जो हमारे स्पीड कंट्रोलर के ये दोनों वायर हैं, ये दोनों वायर डायरेक्ट 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट होंगे। लेकिन इसमें अभी एक प्रॉब्लम है, हमारी जो कार है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल सकती है। इसे आगे और पीछे दोनों साइड में चलाने के लिए मैं एक और जुगाड़ बनाया हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने एक 6 पिन वाला स्विच लिया है और इसके मिडल में मैंने एक होल करके एक कील को लगा दिया है। और इसमें मैंने एक छोटी सर्वो मोटर को चिपका करके इसकी लेग को इस कील से कनेक्ट कर दिया है। अब जो हमारी सर्वो मोटर है ये स्विच को दोनों साइड में प्रेस करेगी और इसी से हमारी कार आगे और पीछे दोनों साइड में चल पाएगी। और इसके कनेक्शन मैं क्रॉस शेप में किया हूँ और इसका डायोग्राम मैं आपको साइड में दे दूंगा, आप उसे देख करके भी इसके कनेक्शन कर सकते हो। और जो हमारे मोटर के वायर हैं इन्हें बीच से कट करके इनके कनेक्शन कर लेना है। तो मैं मोटर के दोनों वायर को इस स्विच की मिडल की दोनों पिनों से कनेक्ट कर दिया हूं और जो हमारे स्पीड कंट्रोलर के वायर हैं इन दोनों वायर को मैं एक साइड की दोनों पिनों से कनेक्ट कर दिया हूं। आप चाहो तो इन दोनों वायर को इस साइड की दोनों पिनों से भी कनेक्ट कर सकते हो। और अब इन्हें क्या करना है कि इस कार के आगे साइड यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है। और अब भाइयों हमें चाहिए एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। ये आपको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पर एकदम आसानी से मिल जाएगा। और इसका जो रिसीवर है इससे हमें इन सभी सर्वो मोटर को कनेक्ट कर लेना है। तो हमारी जो स्टेयरिंग वाली सर्वो मोटर है इसे हम चैनल नंबर 1 पर कनेक्ट कर देंगे और जो हमारी स्पीड कंट्रोलर वाली सर्वो मोटर है इसे हम चैनल नंबर 3 पर कनेक्ट कर देंगे और जो हमारी रिवर्स और फॉरवर्ड करने वाली सर्वो मोटर है इसे हम चैनल नंबर 6 पर कनेक्ट कर देंगे। और अब हमें चाहिए एक 12 वोल्ट की बैटरी और इस बैटरी को इस रिसीवर से कनेक्ट करना है। लेकिन हम इसे डायरेक्ट रिसीवर से कनेक्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ इस प्रकार की एक ESC और इसके जो ये दोनों वायर हैं ये दोनों वायर डायरेक्ट 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हो जाएंगे। और अब इसके जो ये तीनों वायर हैं इसे हम रिसीवर के चैनल नंबर 2 पर कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें तीन और वायर दिए गए हैं। ये तीनों वायर BLDC मोटर के लिए हैं और इसमें हमने जो मोटर यूज़ की है वो है 775 DC मोटर जो कि 2 फेज पर चलती है और जो हमारी BLDC मोटर होती है वो 3 फेज पर चलती है। तो इससे हम सिर्फ BLDC मोटर को ही कनेक्ट कर सकते हैं, 775 DC मोटर को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इन तीनों वायर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मैं सभी के कनेक्शन एकदम अच्छे तरीके से कर लिया हूँ, बस हमने 775 DC मोटर के कनेक्शन नहीं किए हैं, इनके कनेक्शन हम बाद में करेंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सभी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से काम कर रही हैं या फिर नहीं। तो हम ट्रांसमीटर को करते हैं ऑन। तो सबसे पहले हम स्टेयरिंग को चेक करते हैं। आप देख सकते हो कि हमारी स्टेयरिंग एकदम अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। और अब हम स्पीड कंट्रोलर को चेक करते हैं। आप देख सकते हो कि हमारा स्पीड कंट्रोलर भी एकदम अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और अब इसके बाद हम जो रिवर्स और फॉरवर्ड वाली ESC है इसे भी हम चेक करते हैं। ये भी आप देख सकते हो कि एकदम अच्छे तरीके से काम कर रही है। गाइस ये जो बैटरी है ये 2 एम्पियर की है तो ये काफ़ी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, तो इसकी जगह पर हम इस बैटरी का यूज़ करेंगे। ये 7 एम्पियर की बैटरी है तो ये काफ़ी ज़्यादा चलेगी। तो इस बैटरी को हम यहाँ से निकाल करके अलग कर देते हैं और इस बैटरी को हम बाद में लगाएंगे, तो इसे भी हम अभी हटा देते हैं। अब गाइस हमें इसका बॉडी स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसके लिए मैं PVC सीट से कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन में 2 पीसेस कट किया हूँ और इन दोनों पीसेस को इसके दोनों साइड पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है।
तो मैं दोनों पीसेस को इसके दोनों साइड फिक्स करके चिपका लिया हूँ। और अब इसे पीछे साइड से कवर करने के लिए मैंने कुछ इस टाइप का एक पीस कट किया है और इसे हम यहाँ पर फिक्स करके चिपका देंगे। अभी भी गाइस इसमें काफ़ी खाली जगह बची है, जैसे कि इसे आगे साइड से कवर करना है, इसे ऊपर साइड से भी कवर करना है और यहाँ पर मडगार लगा करके इन व्हील को भी कवर करना है। तो चलिए मैं पीवीसी शीट से इन सभी को कवर करके रेडी कर लेता हूँ। और अब गाइस इसे ऊपर साइड से कवर करने से पहले हमें क्या करना है कि इसके आगे साइड में हमें दो लाइट लगाना है। तो इसके लिए मैं दो कुछ इस प्रकार की लाइट लिया हूँ और इन्हें मैं टॉर्च के अंदर से निकाला हूँ और इन दोनों लाइट को मैं इसके आगे साइड में कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका दूंगा। तो मैं दोनों लाइट को फिक्स करके चिपका लिया हूँ और अब इन दोनों लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए जिस तरीके से हमने ये जुगाड़ बनाया था, सेम उसी तरीके से हमने एक और जुगाड़ बनाया है। तो चलिए अब हम इनके कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों लाइट के जो पॉजिटिव वायर हैं, इन दोनों वायर को एक साथ कनेक्ट करके इस स्विच की मिडल वाली लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। और अब हम एक वायर लेंगे और इस वायर को हम इस स्विच की दूसरी वाली लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। और गाइस मैं दोनों लाइट के नेगेटिव वायर को भी एक साथ कनेक्ट कर दिया हूँ और अब इसमें हम जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे तो हमारी दोनों लाइट ऑन हो जाएगी और ये दोनों लाइट हमारी रिमोट से ही ऑन ऑफ होंगी। और अब गाइस ये जो सर्वो मोटर है, इसे हम रिसीवर में चैनल नंबर 5 पर कनेक्ट कर देंगे। चलिए अब हम इसे ऊपर साइड से कवर करके चिपका लेते हैं। और अब मैंने दो कुछ इस प्रकार की सीट बनाई है और इन दोनों सीट को मैं यहाँ पर फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका दूंगा। अब गाइस मैंने कुछ इस टाइप की एक स्टेयरिंग बनाई है, ये सिर्फ शो पीस के लिए है, इसका कोई यूज नहीं है, इससे हमारी कार बस थोड़ी अच्छी दिखने लगेगी। तो इसे हम यहाँ पर फिक्स करके चिपका देंगे। तो गाइस हमारी कार बनकर रेडी हो चुकी है, बस इसमें थोड़ा सा काम रह गया है, जैसे कि इसके आगे साइड में हमें एक शीशा लगाना है और इसके पीछे साइड यहाँ पर हमें दो और सीट लगाना है और इसके आगे साइड में हमें एक बम्पर लगाना है। तो चलिए मैं इन सभी को लगा करके कार को एकदम रेडी कर लेता हूँ। अब गाइस इसमें सिर्फ बैटरी लगाना बाकी रह गया, तो हम बैटरी को इसके पीछे साइड यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो चलिए अब हम इनके कनेक्शन कर लेते हैं और इनके कनेक्शन हम आपको बाद में समझाएंगे किस तरीके से करना है। तो गाइस मैंने ESC हेडलाइट और स्पीड कंट्रोलर, इन तीनों के पॉजिटिव वायर को मैंने इस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है और इन तीनों के नेगेटिव वायर को मैंने इस स्विच की एक लेग से कनेक्ट कर दिया है और इस स्विच की हमने दूसरी वाली लेग से एक वायर कनेक्ट करके इस बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। तो फाइनली हमारी RC कार बनकर रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हो कि हमारी कार कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है, एकदम रियल कार की तरह ही दिख रही है। तो चलिए अब हम इसमें कलर कर लेते हैं ताकि हमारी कार और भी ज़्यादा मस्त लगने लगे। तो गाइस मैं इसमें कलर कर लिया हूं और अब आप देख सकते हो कि हमारी कार कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। तो चलिए अब हम इसे चला करके देखते हैं।
तो सबसे पहले हम ट्रांसमीटर को करते हैं ऑन, और अब हम इस कार के स्विच को भी ऑन कर लेते हैं, और अब हम इसकी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। गाइस आप देख सकते हो कि हमारी कार कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। और आप देख सकते हो कि हमारी कार काफ़ी दूरी पर पहुंच चुकी है, और अब हम इसे रिवर्स करके वापस लाते हैं। तो गाइस आपने देखा कि हमारी कार कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, और इसे चलाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो चलिए अब हम इसकी हेडलाइट को चेक कर लेते हैं कि ये कैसा काम करती है। तो हम इसकी हेडलाइट को रिमोट से ही ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारी कार की दोनों हेडलाइट ऑन हो चुकी हैं, लेकिन आपको शायद दिन में अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम आपको इसकी टेस्टिंग रात में भी दिखा देंगे। और गाइस यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, तो चलिए हम आपको इस कार को सड़क पर चला करके दिखाते हैं। तो भाइयों काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, और आप देख सकते हो कि मैं कार से काफ़ी दूरी पर बैठा हूँ, और अब हम यहीं से अपनी कार की हेडलाइट को ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारी कार की दोनों हेडलाइट ऑन हो चुकी हैं, और अब हम इन्हें ऑफ करते हैं। तो इस तरीके से आप इस रिमोट से अपनी कार की हेडलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, और आप इसकी रोशनी देख सकते हो कितनी ज़्यादा तेज है। तो अब आप रात में भी हेडलाइट को ऑन करके कार को चला सकते हो। तो गाइस आपको हमारी ये मॉन्स्टर आरसी कार कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।